हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू एन अदर व्लॉग। क्या हाल चाल हैं जी, क्या हो रहा है जी। अच्छा यार, आज मैं ये सोच रही हूँ कि क्यों ना मैं आप लोगों को फेशियल करने का तरीका बताऊँ। बल्कि तरीके तो बहुत आप लोगों को बताए जा चुके हैं, ऑलरेडी यूट्यूब भरा हुआ है, बट मैं जिस तरह से अपना फेशियल करती हूँ व्हेन आई डू नॉट डू केमिकल एक्सफोलिएशन और जो सिंपल फेशियल मैं करती हूँ, आई वॉन्ट टू शो यू गाइज कि मैं वो फेशियल कैसे करती हूँ, क्या स्टेप्स करती हूँ और ईजी वे में आप घर पर रह कर फेशियल कैसे कर सकते हैं। अगर आप लोगों को केमिकल एक्सफोलिएशन नहीं पसंद तो आप लोग नॉर्मल फेशियल करें, लेकिन अब उसके लिए शर्त ये है गाइज कि आपके पास फेशियल किट अच्छी होनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि फेशियल किट आपके पास बहुत एक्सपेंसिव होनी चाहिए, आप कोई अफोर्डेबल किट से भी फेशियल कर सकते हैं। तो आगे आप लोग देखिए और एंजॉय करें। सो गाइज, मैंने अभी फेस वॉश से मुंह क्लीन किया है, अब मैं करने लगी हूँ फेशियल। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। क्विक सा फेशियल, और फेशियल के लिए जो मैं चीजें इस्तेमाल करूंगी वो है जी एडीएस की। एडीएस कॉस्मेटिक्स बहुत अच्छे, सेंसिटिव स्किन वाले भी इसे जरूर ट्राई करें, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं इस फेशियल के। इसके स्टेप्स बहुत सारे, लाइक 6 स्टेप्स हैं आई गेस, यस, बट मैं इसमें सिर्फ 3 स्टेप्स फॉलो करूंगी क्योंकि मेरी स्किन जो है वो अल्ट्रा सेंसिटिव है और मेरी स्किन को इतनी ज्यादा रगड़ शगड़ की जरूरत भी नहीं है माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, यूज करूंगी ये सिग्निफिकेंट नीड गोल्ड क्लिंजर नंबर 1 वाला, ये 3 नंबर। अच्छा, जो सेकंड नंबर वाला है ना वो पॉलिश है, ब्लीच है। ब्लीच आप लोगों को तो पता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ जॉलिन की यूज करती हूँ, इसके अलावा मैं कोई ब्लीच यूज नहीं करती, तो मैं इनकी वाली ब्लीच यूज नहीं करूंगी, स्किप करूंगी। लेकिन अगर आप लोग ट्राई करना चाहते हैं तो अच्छी ब्लीच है, आप लोग यूज कर सकते हैं, क्योंकि मैंने एक दफा वो ब्लीच यूज की थी और मेरी स्किन को उसने कोई हार्म नहीं दिया था। सो सेंसिटिव स्किन वाले भी उस ब्लीच को ट्राई कर सकते हैं, बट मेरी मोस्ट जॉलिन ब्लीच है, सो मैं सिर्फ जॉलिन ब्लीच यूज करती हूँ। सो जनाबे वाला 3rd स्टेप है जी एडीएस का माइक्रो गोल्ड एक्सफोलिएटिंग स्क्रब, बहुत माइल्ड स्क्रब है, आप लोगों ने ये यूज करना है। उसके बाद मैं ये 4th नंबर वाला ये यूज करती हूँ, इसमें 5th स्टेप आता है और फिर एक 6th स्टेप आता है जो कि मास्क होता है। सो मास्क भी मैं अपनी पसंद का कोई और यूज करती हूँ, बस मैं एडीएस कॉस्मेटिक्स के सिर्फ यही 3 प्रोडक्ट्स यूज करती हूँ फेशियल किट में से। सो चलें, लेट्स बिगिन विद द फेशियल। ठीक है, बालों को अच्छे तरीके से मैंने पीछे कर। अच्छा यार, मुझे एक बात नहीं समझ आती, वो जो लड़कियां या औरतें या खवातीन जो भी, मतलब कि वो बाल बिखरे हुए होते हैं और कैमरे पे बस जस्ट आने के लिए और शो ऑफ करने के लिए और अच्छा अपने आप को दिखा, मुंह के आगे आ रही हूँ और जो फेशियल कर रही हूँ, रगड़ा रगड़ी कर रही हैं, ऐसे भाई मेरे से नहीं होता। आई एम just being very natural, very casual। facial करें, मतलब आप बालों को सही tie करें, पीछे करें ताकि आप लोग comfort zone मिले और फिर आप अपना facial try करें। चलें, मैंने face को अच्छे तरीके से clean किया है। ठीक है, अब मैं number 1 step follow करने लगी हूँ। so सबसे पहले है जी इसका ये cleanser, ये आपने ले लेना है थोड़ा सा, उसके बाद आपने पोले पोले हाथों से। यहाँ पर आप लोगों ने मूवमेंट एक तो अपने हाथों की सही रखनी है और बहुत ज़्यादा आपने हार्श नहीं होना, हाथों को बहुत ज़्यादा स्मूथली आप लोगों ने चलाना है फेस पर और बहुत आप लोगों ने आराम आराम से स्टेप्स फॉलो करने हैं। ठीक है, स्किन इससे नीट होगी, डीपली क्लेंज होगी और वाटर ज़रूर इस्तेमाल करें साथ। क्लींजर जो होता है ना, क्लींजर वाले स्टेप में आप लोगों ने पानी का ज़्यादा यूज़ करना है। ठीक है, जितना पानी आप ज़्यादा यूज़ करेंगे उतनी ज्यादा आप लोगों की अच्छी क्लींजिंग होगी। ठीक है, नेक को भी साथ साथ हम रगड़ा देंगे ऐसे। ठीक हो गया, फिर से थोड़ा सा पानी ले लिया। ठीक है, और आपने क्लींजर यूज किया। यहाँ पर देखें आप लोग गाइस के नोज एरिया आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से करना है, क्योंकि नॉर्मली नोज एरिया पे ब्लैक हेड्स या वाइट हेड्स होते हैं, तो आपने नोज एरिया को अच्छे तरीके से करना है और अपवर्ड मोशन में आप लोगों ने फेशियल करना है, चाहे आप कोई सा भी क्लींजर यूज। आप लोगों के पास जहरी बातें मशीन तो अवेलेबल नहीं होती। ठीक है, और आपने ये 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 पोजिशन रखनी है फेस की, हाथों की, सॉरी, ये
साथ आप थोड़ा सा मसाज करें, जैसे मसाज क्रीम्स अलग से होती है ना फेशियल्स में, तो वो आप लोग कर सकते हैं यूज़। मैं क्योंकि अभी यूज़ नहीं कर रही तो मैं इसी तरीके से क्लींजर से ही मसाज भी करूँगी ऐसे। आईज के अराउंड लाइक दिस, ठीक है, नोज के अराउंड लाइक दिस, अच्छा ये अब आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप लोग 5 मिनट्स के लिए क्लेंस करते हैं, 3 मिनट्स के लिए करते हैं, कितने टाइम के लिए करते हैं, ठीक है। ये आप लोगों पे टोटली डिपेंडेंट है कि आप कितने टाइम लगाते हैं इस फर्स्ट स्टेप पर। मिनट आप लोग बेशक तेज रखें जैसे मैं कर रही हूँ, बट प्रेशर कम रखें, समझ रहे हैं मेरी बात। यू हैव टू मेक इट वेरी 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 लाइटर ऑन योर स्किन, नॉट वेरी हार्श एंड हार्ड। You need this sponge और इससे आप लोग ऐसे साफ करेंगे, ठीक हो गया, ऐसे ऐसे नोज के अराउंड आपने थोड़ा सा प्रेशर दे देना है ऐसे ऐसे ऐसे। अब मैं फेस को वॉश करके आती हूं, देन हम चलेंगे अपने सेकंड स्टेप की तरफ जो कि है स्क्रब। स्टे ट्यून्ड। थर्ड स्टेप जो है हमारा स्क्रब। सेकंड स्टेप तो ब्लीच होता है ना, पहले मैं नोज के अराउंड ज्यादा फोकस करती हूं स्क्रबिंग को। Like this. अच्छा गाइस, स्क्रब आप लोगों ने बहुत जेंटली करना है, अपवर्ड डायरेक्शन में ही करना है, क्लॉकवाइज करना है, एंटी क्लॉकवाइज करना है, ठीक है। आपके जो एप्पल ऑफ द चीक्स हैं वो एरिया आपका, आपके लिप्स को भी साथ आप स्क्रब करें, कोशिश करें ब्रश साथ रख लें, और इसके अलावा नोज एरिया अच्छे तरीके से स्क्रब करें, ठीक है। इससे आपके अगर वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स होंगे वो ऑटोमेटिकली खुद ही निकल जाएंगे। पिन इस्तेमाल करने की कभी ज़रूरत पड़ेगी भी नहीं आप लोगों को, अगर आप लोग अपना फेस ऑलरेडी क्लेंज रखेंगे, ठीक है। देखें आई एम वेरी वेरी जेंटल, अगर आप लोगों को लग भी रहा होगा ना कि मैं बहुत हार्श कर रही हूँ, बट मैं हार्श नहीं कर रही, मैं बहुत जेंटली ये कर रही हूँ। वीडियो में ऐसे लग रहा होगा बट मैं बहुत पोले पोले हाथ चला रही हूँ, बट एट द सेम टाइम आई एम मेकिंग श्योर कि बिल्कुल सही तरीके से हो। अच्छा वीडियो पे कोई फिल्टर शिल्टर नहीं है, ठीक है, आप लोग क्लियरली देखें स्किन की कंडीशन और क्लियरली देखें कि स्किन कैसी लग रही है, और क्लियरली ये चीज़ देखें कि फेशियल होने के बाद स्किन कैसी लगेगी, ठीक है। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि इस वीडियो में किसी तरह का कोई फिल्टर नहीं है, इट इज़ वेरी वेरी नेचुरल, ठीक है, बिल्कुल ये नेचुरल है। मोबाइल के ओरिजिनल कैमरे की ये वीडियो है और आप लोग देखें कि फेशियल से पहले और फेशियल के बाद क्या फ़र्क था। अब फ़र्क ये था कि स्किन माशाल्लाह मेरी अच्छी है और मैं ख्याल बहुत ज़्यादा रखती हूँ, और दूसरी रीज़न ये भी है कि मैं टाइमली अपनी स्किन को नरिश करती हूँ, लाइक फेशियल्स करती रहती हूँ, मसाज करती रहती हूँ, प्रोडक्ट्स यूज़ करती रहती हूँ, तो मैं ख्याल रखती हूँ, ठीक है। तो आप लोगों ने भी फेशियल लाजमी करना है, वीक में एक दफ़ा लाजमी करें। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि स्किन पर डेड स्किन आ जाती है, हर 3 डेज के बाद स्किन पर डेड स्किन आ जाती है, आप लोगों ने उसको रिमूव करना ही करना होता है, ये मस्ट चीज़ है। डेड स्किन को आपने नहीं बनने देना फेस पर, ठीक है। डेड स्किन कैसे रिमूव होगी, स्क्रब से रिमूव होगी या केमिकल एक्सफोलिएशन से ही रिमूव होगी।
अच्छा गाइज, यहाँ पर सीन ये हुआ था कि जब मैं स्क्रब धोने के लिए गई थी तो मेरे कान में चला गया था पानी, तो इसलिए मैं यहाँ पर पागलों की तरह एक साइड से यू टर्न करके अपना डबल क्लेंस कर रही हूँ ताकि मेरे कान में से पानी निकल जाए, और मैं हर मुमकिन कोशिश कर रही हूँ पानी निकालने की, और पानी फाइनली निकल गया था। हा 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 हा, here it goes, facial done and I am completely satisfied. Here you can clearly see the glow, you can clearly see the clarity and clear skin, mashallah alhamdulillah. Yahan par facial ho gaya tha, jit done. Yaar in cheezon mein time lagta hai, aapko total energy apni lagani padti hai, thakna padta hai, tutna padta hai, mehnat karni padti hai, lekin apne par mehnat kare yaar, apni skin ko khush kare apni. चलें जी गाइस, आज के व्लॉग में इतना ही। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा फेशियल कैसे करना है और कैसे अपना ख्याल रखना है। बस मेरा ये इजी पीजी सा व्लॉग था। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियोस को लाइक किया करें, शेयर किया करें यार, और आई लव यू गाइस सो मच, और सब्सक्राइबर्स से तो मुझे बहुत प्यार है। बाय।